अगर आप लोगों का एक एडमॉब अकाउंट है तो ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मैं एक बडिंग टेक एंटरप्रेन्योर हूँ। एंड जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है कि अगर हमारे ऐप के ऊपर कोई सेल्फ क्लिक करे तो हम लोग क्या स्टेप्स लें, हम लोग उसको कैसे प्रिवेंट करें, हम लोग अपने एडमॉब अकाउंट को कैसे सेफ रखें। सो हाउ टू कीप योर एडमॉब अकाउंट सेफ फ्रॉम इनवैलिड एक्टिविटी। क्या हुआ था, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जो था सेल्फ क्लिक के ऊपर कि सेल्फ क्लिक क्या होता है एंड हमें वो क्यों नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों की मेरे पास क्वेरीज़ आई कि अगर सेल्फ क्लिक हमारे हम नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है मेनली ताकि हमारा एडमॉब अकाउंट सस्पेंड हो जाए, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इट्स पॉसिबल कि आपके ऐप में भी जाके वो ऐसी चीज़ें करें। तो देखो, पहले तो ये चीज़ करो, पहले व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि जब आपका ऐप नया नया हो तो ये एड्स ही मत डालो, ठीक है, क्योंकि उससे रेवेन्यू कुछ नहीं आएगा, चिंदियाँ आएंगी। तो इट्स बेटर कि आप उस पर एड्स ही मत डालो स्टार्टिंग में, एटलीस्ट वेट करो कि 1000 एक्टिव यूज़र्स हो जाए, उसके बाद अपने ऐप्स में ऐड डालो, ठीक है। अगर आप लोग ये चीज़ कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि सेल्फ क्लिक की वजह से आपका एडमॉब अकाउंट सस्पेंड होगा, क्योंकि उसमें एक्टिव यूज़र्स रहेंगे तो सेल्फ क्लिक वाले इनवैलिड क्लिक में जा कर के वो डिडक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आप लोग फिर भी अपने ऐप में एड्स डालना चाह रहे हो या फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मेरे ऐप में बार बार जाके सेल्फ क्लिक कर रहा है विद द मोटिव कि ताकि मेरा ऐप बैन हो जाए या मेरा एडमॉब अकाउंट सस्पेंड हो जाए, तो आप लोग क्या करो, गूगल ने उसके लिए एक फॉर्म दिया है कि आप लोग वहाँ पर जाके सबमिट कर सकते हो, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर बताऊँगा कि कैसे करना है और कैसे ये चेक करना है कि क्या कोई मेरे ऐप में सही में सेल्फ क्लिक कर रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे वो चीज़ देखनी है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग इन वैलिड एक्टिविटी को कैसे प्रिवेंट कर पाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल इसके बारे में क्या कहता है, गूगल क्या टिप्स देता है प्रिवेंट इनवैलिड एक्टिविटी, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डोंट क्लिक ऑन योर ओन एड्स, सेल्फ क्लिक मत करो, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। सेकेंड ये आता है कि अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को, अपने किसी फ्रेंड्स को ये रिकमेंड मत करो कि जाके उस पर क्लिक करो। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने किसी फ्रेंड्स को बोल देते, किसी फैमिली मेम्बर को बोल देते, उनको लगता है कि गूगल को पता नहीं चलेगा कि हमने किसी को बोला है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या होता है कि हमारी जो प्रोफाइल रहती है वो गूगल के पास ऑलरेडी रहती है, हर एक स्पेसिफिक पर्सन की एक वो लोग बेसिक प्रोफाइल बना देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा एक पैटर्न है कि मैं एड्स पे कितना क्लिक करता हूँ, मैं कौन कौन सी वेबसाइट्स पे एड्स पे क्लिक करता हूँ एंड देन कितने फ्रीक्वेंसी में क्लिक करता हूँ, कितना मैं एड्स पे क्लिक करके परचेस करता हूँ एंड देन कितना मेरा कन्वर्जन रेट है। तो मेरी एक प्रोफाइल बनी हुई है गूगल के पास एंड देन उसी प्रोफाइल से मैं एक्ट करता हूँ। अब अगर किसी मेरे फ्रेंड ने मेरे को भेजा कि भाई ये मेरा ऐड है, ये मेरा ऐप है, इस पे एड्स पे तो क्लिक कर दे। अब मैंने उस पे, उसने कहा हर रोज़ तो खोल खोल के दो दो क्लिक मार दे, मैंने कहा ठीक है भाई तेरे लिए कर देंगे हम। तो मैंने उस पे क्लिक मार दिया, हर रोज़ मैं उस पे दो दो क्लिक मार रहा हूँ। तो अब जो मेरी प्रोफाइल है गूगल के पास वो ऐसी नहीं है, ठीक है, मैं इतनी जल्दी एड्स पे क्लिक नहीं करता, मैं काफ़ी टाइम बाद, मीन्स मेरे को कोई एक यूज़फुल ऐड मिलता है तो मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरी जो एड्स की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है ना, इस ऐप का यूज़ करते से मेरी ऐप्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी एंड देन गूगल को एक इंडिकेशन चला जाएगा कि मेरी तरफ से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है एंड इस पर्टिकुलर ऐप पे बढ़ी है और सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऐप पे बढ़ी है, ठीक है, और किसी जगह पे नहीं बढ़ी है, वेब पे नहीं बढ़ी है मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी फ्रीक्वेंसी किसी और ऐप पे नहीं बढ़ी है, मेरी फ्रीक्वेंसी सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऐप पे बढ़ी है। तो क्या होगा, वो सेल्फ क्लिक के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वाली चीज़ भी मत करो, गूगल की एल्गोरिदम डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही है एंड इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट योर ऐप टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम इनवैलिड एक्टिविटी तो ये मत करो। और उसी तरह से अपने किसी यूज़र को भी मत बोलो कि वो जाके आपके एड्स पर क्लिक कर दे एंड इन रिटर्न ऑफ सम रिवॉर्ड्स, ये भी पॉलिसी के अगेंस्ट है। और एक्सीडेंटल क्लिक्स के बारे में पहले भी बता चुका हूँ मैं एडमॉब सस्पेंडेड के लिए, सो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा एट प्रेजेंट एंड इस पॉइंट के ऊपर जाते हैं। अवॉइड पार्टनरिंग विथ अनट्रस्टेड लो क्वालिटी पार्टीज। अब क्या होता है, कभी कभार हम लोग जाके अपने ऐप्स को थर्ड पार्टी, लो क्वालिटी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके सबमिट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने फाइवर पे जाके किसी को कहा कि मेरे ऐप्स के इंस्टॉल बढ़ा दीजिए,
ना हो सकता है कि उसकी टीम हो, एक अच्छी खासी 50 दोस्तों ने मिलकर बना दिया हुआ एक अकाउंट, एंड देन $10 लेते हो वो लोग, उस पर आपको एप्स के इंस्टॉल करके दे देते हो। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, उस पर एड्स पे जल्दी जल्दी क्लिक करते हैं, थोड़े बहुत रेटिंग अच्छी दे देते हैं, एंड देन वापस से उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो ऐसे आपको बाय नहीं करने हैं यहाँ से इंस्टॉल्स को। अगर आप लोग करेंगे तो वो अनट्रस्टेड लो क्वालिटी पार्टीज में भी आ जाएगा, एंड देन आपका इनवैलिड एक्टिविटी से आपका ऐप को सस्पेंड किया जा सकता है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, ये सब हमें समझ में आ गया। अब इस पे आते हैं कि अगर कोई मेरे ऐप पे सेल क्लिक कर रहा है तो मैं कैसे पहचानूं उसे। तो आप उसे कैसे पहचानेंगे, आप सबसे पहले जाइए अपने एडमॉब में, एडमॉब में जाके देखिए ECPM अपने ऐप का, ठीक है। ECPM एवरेज देखते रहिए रोज़ कि कितना है कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो $1 है तो $1 ही रहना चाहिए या उसके आसपास रहना चाहिए। अब अचानक से अगर वो किस दिन बढ़ जाता है तो ये आपको सिग्नल मिलेगा कि हो सकता है शायद से कोई सेल क्लिक कर रहा हो, ठीक है। एक दो दिन ऐसे देखो, देखो कि सही में क्या ECPM वो एवरेज है या सही में कोई सेल क्लिक करके बढ़ा रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब गूगल ने उसके लिए भी एक सॉल्यूशन दिया है, आप लोग इस URL पे जाएं, ठीक है। मैं इसका URL नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो अब यहाँ पे आपको सबमिट करना है अपना नाम, अपना ईमेल, अपना पब्लिशर आईडी, अपना प्लेटफॉर्म और SDK नंबर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, 26, 27, 28 ऐप आईडी, और सारी डिटेल्स अपनी भर के भेज देनी है, एंड प्रूफ भी भेजना है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सेल्फ क्लिक हो रहा है। इससे क्या रहेगा, आपका अकाउंट सेफ साइड में रहेगा। अगर कोई कर रहा है तो उनको एक इंटीमेशन मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से कुछ हो रहा है, एंड वो लोग आपके मोस्ट प्रॉब्ली आपके अकाउंट को सस्पेंड नहीं करेंगे, पहले वो इवेल्युएट करेंगे कि सही में आप नहीं कर रहे हो, कोई आपका दोस्त है या फिर कोई ऐसा चाह रहा है कि वो आपके ऐप में सेल क्लिक करके आपका एडमॉब अकाउंट बैन कर दे, तो वो लोग उस एक्टिविटी को हटा देंगे वहाँ से। अब ये वाली लाइन पढ़ेंगे, हाउएवर अल्टीमेटली इट्स द पब्लिशर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द एक्टिविटी ऑन हिज और हर एड्स इज वैलिड। मतलब अल्टीमेटली ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो वैलिड हो, ठीक है। इसलिए हमें सारे जो भी मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए सब हमें फॉलो करने हैं बहुत ही ध्यान से। बहुत सारे लोगों के अकाउंट इसी वजह से ही सस्पेंड होते हैं, इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत ही ध्यान से फॉलो करने हैं, एंड अगर जहाँ भी हमें लगता है कि कोई हमारी इनवैलिड एक्टिविटी कर रहा है तो हमें यहाँ पर जाके सबमिट कर देना। सो वेलकम बैक गाइज, आई होप आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि सेल्फ क्लिक को कैसे प्रिवेंट करना है एंड अपने एडमॉब अकाउंट को कैसे सेफ रखना है इनवैलिड एक्टिविटी से। अगर कुछ वैल्यू मिली हो तो इसको थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, एंड अगर आपको कुछ फीडबैक्स हो या कमेंट्स हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।